अगर आपको मशरूम खाना अच्छा लगता है तो ये रेसिपी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम की ज़रूर याद दिला देगी। तो रेस्टोरेंट में बहुत महंगा मिलने वाला मशरूम का सब्जी घर में बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो आज बन रहा है सूस फूड कॉर्नर हिंदी में रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला करी, ऐसा जो खाने में जितना ही टेस्टी दिखता है बनने में उतना ही आसान है। तो ज़रूर देखिए रेसिपी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ शुभम करी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूड कॉर्नर हिंदी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिए और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाने के लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स हम ले लिए हैं। यहाँ पर पोस्त दाना ले ली हूँ एक बड़ा चम्मच और इसमें डालेंगे काजू 6-7 डालेंगे। तो इनको हमको अच्छे से प्यूरी बनाना है, तो ट्रिक तो आपको पता है, पहले सूखा हम पीस लेंगे, फिर उसमें 3 बड़े चम्मच पानी दे के दोबारा से पीस लेंगे तो एकदम महीन हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे घर का जमाया हुआ गाढ़ा दही 2 बड़े चम्मच। दही का पानी ना डालें तो इसको हम पीस लेंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी हम पानी डाले हुए थे दही पीस लेंगे तो एक स्मूथ क्रीमी ग्रेवी बन जाएगा। इसमें कोई क्रीम वगैरह नहीं डालेंगे, यही इसका वाइट बेस होगा। अब उसी ब्लेंडर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैं ब्लेंड कर दी हूँ, प्यूरी बना दी हूँ। थोड़े से अदरक लहसुन और हरा मिर्च को भी उसी में थोड़ा सा पानी डाल के एक प्यूरी बना देंगे। बेसिकली सारे चीज़ों को हम प्यूरी बनाएंगे ताकि अच्छे से वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फील आ पाए। एक बड़ा टमाटर को भी हम प्यूरी बना देंगे बिना पानी के, ध्यान रखिए। अब हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है मशरूम। देखिए मैं 1/2 किलो ले ली हूँ, ये एकदम फ्रेश ताजे लोकली ग्रोन मशरूम है। आपके पास जो अवेलेबल है वो लें, चाहे तो बटन मशरूम भी ले सकते हैं। उसको धो के अच्छे से साफ करके सुखा लें, पानी ना रहे मशरूम में ज़्यादा। तो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कर लिए। एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच तेल डाल के सूखे मसाले डाल देंगे, बेसिक वाले दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता। ज़रा सा चटक जाए उसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसमें ज़रा सा मैं कवर कर लूँगी ढक्कन, क्योंकि ये बहुत छीटा पड़ता है। तो फ्लेम मीडियम हाई पे रख के प्याज को भून लेंगे तब तक जब तक देखिए इस तरह से कैरेमल कलर ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। एक बार ये आ जाए उसमें हम अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट डाल के भून लेंगे। सारे चीज़ को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, आँच हाई ना करें। अब इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, बेसिक वाले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। सब चीज़ों को डाल के हम मिला लेंगे। सूखे मसाले तुरंत मॉइस्चर अब्जर्व कर लेंगे। अब देखिए मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं इसलिए इन मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे। और भूनते घड़ी इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 चुटकी और लास्ट को डालेंगे। इसको अच्छे से भून लो, आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत कम तेल डाली हूँ। यही खास चीज़ है, हम घर में बनाते हैं स्वाद वही आता है, तेल हम बहुत कम डालते हैं। तो इस स्टेज में हम टमाटर का प्यूरी डाल के थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 3-4 चम्मच पानी डाल के मिला लेंगे। बेसिकली सब चीज़ को हम मिला चुके हैं। अभी फ्लेम एकदम स्लो करके धीमी आंच पे इसको ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट, तब तक जब तक कि तेल किनारे से ना छूटने लगे। ज़्यादा तेल तो हमने डाला है नहीं, आप देख पा रहे होंगे कढ़ाई में। तो जितना भी तेल है हल्का हल्का साइड में आ जाएगा, उतना ही हमको चाहिए। अब इस स्टेज पे मीडियम था फ्लेम, लो पे इनफैक्ट मैं ढकी थी, फ्लेम हाई करके हम डालेंगे मशरूम। तो फ्लेम हाई करके मशरूम डालेंगे और फिर इसको ढक के छोड़ देंगे वही हाई फ्लेम में सिर्फ 1 मिनट के लिए। क्या होगा ना, वो हाई आंच में मशरूम अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, हमको वही चाहिए। मशरूम अपना जूसेस रिलीज़ करे ताकि ओवर कुक ना हो। तो हाई फ्लेम में बस 1 मिनट ढकने के बाद इसका ढक्कन हम निकाल के हम डालेंगे इसमें जो वाइट प्यूरी बनाए थे ना दही वाला, उसको डाल के 1/2 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी इसमें ना डालें क्योंकि मशरूम से अभी बहुत पानी निकलेगा। मिला लें, नमक वगैरह आप टेस्ट कर लें। जब थोड़ा सा इसमें बुदबुदा आने लगे इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। तो ये मैं डाल दी, डाल के इसको वापस से मिला लूँगी। तो बेसिकली हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक ऑलरेडी आ चुका है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि अभी मशरूम से पानी रिलीज़ होगा। मीडियम फ्लेम पे ढक दे बस 3 से 4 मिनट और 3-4 मिनट बाद देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसका ग्रेवी बना है। मिला लें,
तो बस मशरूम ऑलरेडी पक चुका है, ओवर कुक नहीं करना है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कैप्सिकम मीडियम साइज का कटा हुआ, और इसमें डालेंगे 2 चुटकी कसूरी मेथी जो मैं बोली थी कि बाद में डालेंगे, और 1 बड़ा चम्मच बटर। इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम तेल कम डाले हैं, तो 1 चम्मच बटर लास्ट में डालने पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिला लें और गैस ऑफ करके इसको हम सर्व करेंगे। ज़्यादा इसमें पानी ना रखे तो रेस्टोरेंट वाला लुक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और टेस्ट भी उतना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन बना है ये, आप देख पा रहे होंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला करी। मशरूम जो है बरकरार है, ये नहीं कि एकदम घुल गए हैं, बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अब समय है कमेंट ऑफ द डे का। तो आज का जो कमेंट है वो है मिष्टी मंडल का, वो लिखती है, थैंक यू मैम इतने टाइप्स के आलू भरता रेसिपी सिखाने के लिए, और हम बंगाली हूँ और हमारे यहाँ बहुत लाइक करते हैं आलू भरता एंड दाल भात को, मुझे इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं, भैया और मैं बाहर खाना खा लेते हैं मगर माँ बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनके लिए आपने आलू भरता का रेसिपी बताया भी है, थैंक यू मैम। और ये रेड हार्ट आपके लिए, थैंक यू सो मच मिष्टी, ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो आलू भरता का रेसिपीज़ है ना, मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, बहुत क्लोज़ है। हम लोग बंगाली हो या हम लोग, मैं उड़ीसा से हूँ पर मेरा शादी हुआ है बिहार में, तो कहीं के भी हो पर एज ए इंडियन हमको आलू बहुत करीब है, और बेसिक आलू भरता का रेसिपी सबको अच्छा लगता है। तो मेरा बस कोशिश यही था कि ऐसा रेसिपीज पोस्ट करूँ जो सबको यूज़ हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा कि आप जब ये बोले कि आपके हेल्प में आया, तो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। और ये आज का जो रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला करी, एक बार तो ट्राई करना बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो सोस फूड कॉर्नर हिंदी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।